फतेहपुर समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद आजम के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें मांग की गई कि लखनऊ में लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर मनमाने तरीके से लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसका फतेहपुर में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता घोर निंदा करते हैं। साथ ही मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई भी मनमानी न कर सके। लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष मोहम्मद आजम ने कहा कि नीट व जेईई की परीक्षा कोरोना संक्रमण काल में न कराए जाने की मांग को लेकर लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर सरकार के इशारे पर पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज। ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जेई व नीट की परीक्षा को अभी कोरोना संक्रमण काल में स्थगित कर देना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में चौधरी मंजर यार, जियाउद्दीन, मोहम्मद दानिश, नफी सिद्दीकी सहित अन्य सपाई मौजूद रहे। निर्वाह करेंगे आजम भाई, मुझे अल्पसंख्यक सभा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पहले भी अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष है, हमारे छोटे भाई आजम खान साहब को कल रोजियावानी का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मैं राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो इस तरह के युवा साथियों को एक बड़ी जिम्मेदारी का काम दिया। अभी बच्चों जिसको मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि ये बखूबी ये भी निभाएंगे। हम सभी हमारे पार्टी के जितने भी सीनियर जूनियर कार्यकर्ता हैं, सभी लोग विपक्ष को उसके गलत कार्यों के खिलाफ खड़े होकर हमेशा डटे रहेंगे। और आज चूँकि लगातार योगी सरकार छात्रों के खिलाफ, जब देश में कोरोना महामारी बुरी तरह फैली हुई है, लगातार उनके खुद के मंत्री 11-11 दो मंत्रियों की मौत भी हो चुकी है और 11-11 बड़े बड़े मंत्री और उनके विभाग के लोग, यहाँ तक कि योगी जी की सिक्योरिटी में लगे लोगों को कोरोना है। ऐसे में जो देश की सरकार है, हमारी शिक्षा मंत्री जी और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी, ये बुरी तरह से इस बात के अड़े में हैं कि छात्रों के जीवन से विकास खेला जाए और ये JEE NET की परीक्षा को कराने की जिद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा छात्रों, किसानों, गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की हित की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। तो छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक जब छात्र हमारे युवा संगठन राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन देने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ में, तो उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, जिसका आप लोगों ने शायद देखा भी हो, काफ़ी लोगों के माध्यम से आया है, इस तरह से विपक्ष के ऊपर हमला हो रहा है, जैसे लग रहा है कि दुश्मनों के साथ या बदमाशों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। आदमी उतना ही सताए जितना उसको बर्दाश्त करने की क्षमता हो। मैंने रोते हुए भी देखा है लोगों को, और ऐसा ना होना चाहिए। सरकारें आती हैं चली जाती हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि छात्रों के जीवन के साथ मत खेला जाए, उनके भविष्य को, उनके जीवन के, उनके घर वालों के लिए बचाया जाए। अभी परीक्षाएँ टाल दी जाए, आगे जाके परीक्षा कराई जाए। जय समाजवादी पार्टी। आगे पद सौंपा है, आप पूरे जिले में कैसे इसको निभाएंगे, क्या पद सौंपा है? जो पद हमको दिया गया है बड़ी जिम्मेदारी से निभाएंगे उसको, और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार की जो भी नीतियाँ, गाँव गाँव जाकर सभी लोगों को मिलाना है, सभी लोगों को जोड़ना वर्ग को, ताकि समाजवादी पार्टी हमारी मजबूत हो सके। 2022 में पूर्ण बहुमत से अनेक योगी जी की तानाशाही उसको देखते हुए सारे खिलाफ है, सर जनता खिलाफ है, ये देख देख रहा है। आप जाकर ज्ञापन को दिया जाए, सारे उसके खिलाफ है। लोहिया वाहिनी में आपको ये पद दिया गया है जिला अध्यक्ष का, तो आपकी कोई रणनीति होगी अपने पार्टी के साथ, अपने युवाओं के साथ? नहीं, युवाओं के साथ रणनीति ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो है अपने सभी लोगों के साथियों को, युवाओं को जोड़ना है, जोड़ करके और मेहनत करनी है, मेहनत करके हम अपनी पार्टी।